सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद टुडे नरेशन से शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर में मैंने आपको नरेशन पढ़ाया है, सो स्पीडली पढ़ाएंगे क्योंकि कोर्स थोड़ा लंबा है और COVID-19 एनिमेटिक के वजह से या और पीछे भी जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा इस चीज़ को जो हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवाइज कराएंगे और जो चीज़ नहीं पढ़ा है उसको हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे जिस तरह आपको स्कूल या कॉलेज पढ़ाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नरेशन। तो नरेशन सबसे पहले जानते हैं नरेशन होता क्या है। नरेशन वह होता है जो अपनी बात को दूसरे की बातों तक पहुँचाया जाता है, अपनी बात को दूसरे के तक पहुँचाया जाता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाई जाती है क्योंकि दूसरे के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से दूसरे के माध्यम से जो बात पहुंचाई जाती है होता है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा और मेरी बात को अगर आप तीसरे तक पहुंचाओगे तो आप जो कहोगे वो चीज होगा नरेशन, यानी इनडायरेक्टली जो पहुंचाते हैं। जैसे लिखा ही सैड, उसने कहा लिव दिस, मैंने कहा आई सैड, मैंने कहा कॉमेंट टू थॉमस यू आर लूजर, मैंने कहा तुम क्या हो लूजर, मैंने कहा तुम लूजर हो। देखिए मैंने कहा तुम लूजर हो, अब इस बात को मैंने तुमसे कहा तो तुम किसी और, मतलब इस बात को प्रकट करोगे किसी और से बताओगे कि उसने कहा कि मैं लूजर हूं, जैसे मैंने आपसे बताया तुम लूजर हो, ठीक समझा ना, ठीक है, मैंने कहा कि तुम लूजर हो, ठीक। तो अगर मैं तुमको लूजर बता रहा हूं तो तुम किसी और से, मान लीजिए अगले व्यक्ति से कहोगे कि बिल्कुल सर ने मुझे कहा कि मैं लूजर, तो कैसे कहोगे, वो हो जाएगा इनडायरेक्टली, तो बोलोगे आई सैड, यानी मैंने कहा है, मैंने कहा ना, तो आई सैड कॉमा टू कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यू आपका सेकेंड पर्सन है, ऑलवेज टाइम चेंज विद ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई सेड दैट, यानी यू इसके अनुसार जाएगा। मैंने आपको रूल बताया है, अगर मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट ना हो तो अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन थर्ड माने थर्ड हो तो फर्स्ट मानते हैं, तो यहाँ फर्स्ट इसलिए यहाँ पे थर्ड मानते हैं, यानी मैंने कहा ही वॉज लूजर, पास्ट में जाएगा क्या हो जाएगा वॉज लूजर, इनवर्टेड कॉमा की जगह पर फुल स्टॉप। ये हो गया आपका डायरेक्ट और ये हो गया आपका गेट इट। आप देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करते हैं, हाउ कैन चेंज दिस, चलिए अब इसके नियम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो नरेशन को हम पांच सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस मैंने बताया कि पांच होते हैं, उसे नॉर्मली आपको पढ़ाया हमने 11 पढ़ाया सेंटेंस, बट आपको नरेशन में हम 6 या 5 ही पढ़ाए हैं, आप सभी को पहले से ही पता है। तो इसमें आपको 11 के 11 या 9 जितने भी सेंटेंस हमने पढ़ाया सभी को अप्लाई नहीं करना, सिर्फ 5 को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को ही अप्लाई करना है। अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसका नरेशन बनता कैसे ये देख लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं नरेशन बनाने के नियम। तो नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, रूल ऑफ रूल ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के नियम, कौन सा परिवर्तन के नियम, इनडायरेक्ट से, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो पहला रूल आपका ये अप्लाई करता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्ट स्पीच, ये जानना जरूरी है क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है रिपोर्ट स्पीच। जैसे लिखा है ही सैड कॉमा टू कॉमा आई एम बैक, आई एम बैक, तो इस पोर्शन को इस पोर्शन, यानी जो इसे बोलते हैं जो कॉमा है इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और इसको पूरे को बोलते हैं इन्वर्टेड रिपोर्टिंग, चाहे रिपोर्टिंग बोलो या रिपोर्टेड बोलो, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब,
ठीक, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टेड बोलो चाहे रिपोर्टिंग बोलो इससे कोई फर्क पड़ता है, इसे याद रखना है रिपोर्टेड वर्ब और इसे याद रखना है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें रूल्स ये देखना है, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, देन आई विल चेंज, तभी हम चेंज कर पाएंगे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें कि इनवर्टेड कॉमा से जो बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर होता है इनवर्टेड कॉमा के वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब देखिए इनडायरेक्ट जब बनता है तो रूल्स कहता है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसका टेंस परिवर्तन करते हैं, पास्ट टेंस में हो तो इसका टेंस परिवर्तन किया जाता है, अगर पास्ट को छोड़ के किसी और टेंस में हो तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, यू नेवर चेंज इनटू इनडायरेक्ट ऑफ दैट टेंस, इन इनडायरेक्ट में टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। तो चलिए इसको हम जान गए कि रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब चेंज कैसे करते हैं, रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें रूल्स ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है वह उसमें अगर सैड लिखा हो, सैड टू हो, तो उसे नरेशन जब बनाया जाता है तो टोल्ड में चेंज किया जाता है, ठीक। टेल लिखा हो, टेल टू, तो उसे चेंज करते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर से टू लिखा हो उसे चेंज करते हैं टेल, सेज टू लिखा हो तो उसे चेंज करते हैं टेल्स, ठीक। और कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का उपयोग किया जाता है, और कोई परिवर्तन अभी आपको नहीं करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज अब आप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही चीज चेंज करना है और कुछ नहीं चेंज, और क्या करना है, टेंस का परिवर्तन आपको करना है। टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब मैं सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में परिवर्तित करते हैं, नरेशन जब बनाते हैं, ठीक। और कॉमा टू कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं जब नरेशन बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टेंस कैसे चेंज करते हैं उसके रूल सिखाते हैं। वीडियो पॉज करके आप सारे रूल्स लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट देखिए टेंस परिवर्तन के नियम, टेंस परिवर्तन के नियम आपको ये देखना है कि जब रूल नंबर फर्स्ट है आपका, जब रिपोर्टिंग, चलिए बोलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तभी रिपोर्टेड स्पीच का, यानी इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला था, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन किया जाता है, नहीं तो सेम वैसे उतार देते हैं, ठीक। अब देखिए कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, यानी याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी टेंस परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तब टेंस कैसे प्रयोग करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का हमें टेंस परिवर्तन करना है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो जब हम नरेशन बनाते हैं तो टू का मतलब उसमें परिवर्तन करना, किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट टेंस, ठीक। शॉर्टकट आपको बताते हैं, इस तरह नहीं बताते हैं, ध्यान
ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्टेड स्पीच टेंस करना होगी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा। अब चेंज कैसे करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज एम आर का प्रयोग है आप चेंज कर दीजिए वाज, गेट इट, डू डज का प्रयोग हुआ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है देन आप यूज कर दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो ठीक, या उसमें एस या ईएस जुड़ा हो तो आप चेंज कर दीजिए वी डू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच में, हैज हैव का प्रयोग है तो हम उसे चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की ठीक। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में वाज वर आ जाए, वाज वर आ जाए तो उसको चेंज कर देंगे हैड बीन, इसमें हैड बीन, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका शॉर्टकट हो गया। अब चाहे दूसरी तरीके देख लीजिए, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट ठीक, और पास्ट कंटीन्यूअस सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को वाज वर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, ना ही पास्ट परफेक्ट का चेंज किया जाता है ना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ ध्यान रहे, अगर इतने वर्ड का प्रयोग आता है कैन को कुड में चेंज किया जाता है, मे को माइट में, शेल को शुड में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, विल को इतने शब्द का प्रयोग आता है तो उसको चेंज करते हैं। ओके ये तो हो गया हमारा टेंस परिवर्तन, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई क्लियरेंस ना हो तो तुरंत मैसेज कीजिए कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस एंड सॉल्व योर डाउट। फर्स्ट ईयर में मैंने नोट्स कंप्लीट कर रहा था, अगर होगा तो उसको रिवाइज करते रहिएगा ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो टेंस परिवर्तन हो गया, अब देखिए उसके रूल्स के अनुसार बनाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोहन सैड टू मीरा काम एट कमा He goes to market with his mother. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैंने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। तो देखिए आपका पास्ट टेंस में है यस, तो अब इसका हमें टेंस परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, तो सेड टू को टोल्ड में, वेरी गुड, मोहन टोल्ड मीरा, कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना हटाना है, तो हमने बताया था कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, गुड। नेक्स्ट क्या करना है, हमने कहा था उसके बाद सिर्फ टेंस परिवर्तन को उतार लिया गया, हमने बताया था क्रिया में एस या ईएस लगा होगा, शॉर्टकट बताया था एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको सेकंड में कर देंगे, तो गो का सेकंड फॉर्म बैंड, दूसरे तरीके से
देखिए प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंटेटिव टेंस है ना, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित करना है। अंतिम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगेगा sd2 पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और s5 यानी जो वर्ब की फर्स्ट पांचवी अवस्था होती है sas, तो वर्ब पास्ट इन सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में लेंगे। ठीक, टू मार्केट विथ हिज So, dear students, listen carefully. आप लोग एक्सरसाइज की बुक में पहले एक्सरसाइज लीजिएगा और कीजिएगा, कोई दिक्कत होती है डाउट क्लास ग्रुप में लीजिएगा। दूसरी बात, प्रोनाउन चेंज करने का नियम हमने नहीं बताया है, इसलिए प्रोनाउन का जो भी शब्द यहाँ पे आएगा या सब्जेक्ट आएगा या बीच में आएगा, आप उसके स्थान पे थर्ड पर्सन का प्रयोग कीजिएगा या किसी नाउन का प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपको प्रोनाउन चेंज करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन चेंज करने के नियम आपको बताएंगे। इट्स इनफ, आई विल मीट यू टुमारो।